हेलो। वेल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? हेल्दी हो? फिट हो? चलो बेटा, आज मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और डेफिनेटली हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पर मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये हमारा जो सेशन रहा आज का, प्रोबेबली लास्ट सेशन होगा, लगा तो कल 1 घंटा और ले लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये एडिशनल क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज आपको कैसी लगी? हाँ, मैं आपको सब बातें बताऊंगा कि पहले के चैप्टर्स वो कैसे करना है, आपको क्या करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताओ कि अभी तक जितना भी डिस्कशन हमने किया, आपको कितना बेनिफिट हुआ, आपको कैसे लगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सेशन स्टार्ट करने के 2-3 मिनट हमारे पास है, आप अपना फीडबैक दीजिए बेटा। हाँ राम शर्मा, आप अगर मुझे सुन रहे होगे तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि हम यूट्यूबर नहीं हैं, हम टीचर हैं। आज एज अ टीचर, और जिसका भी नाम आपने लिया मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो एक बात मैं आपको कह दूँ कि हमें इससे कंसर्न होता है कि आपके नॉलेज में कितना अपग्रेडेशन हुआ। दूसरी बात, हमें इससे कंसर्न होता है कि हम आपके लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन कर पाए, एग्ज़ाम के हिसाब से हो या ना हो। बेटा जीएसटी जो है, आपको जो पढ़ना है ये लाइफ टाइम यूज़ होगा,
इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट यही होता है कि पूरे लाइफ में जीएसटी जो है आपको कैसे काम है, इससे हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है। और जितने भी रिस्पेक्टफुल टीचर का आपने नाम लिया है बेटा, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये रियली टीचर्स है कि जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे हर बात के लिए, और मैं भी पूरी कोशिश ये करूँगा राम। इसलिए एग्ज़ाम हो ना हो हमें नहीं पता, क्या रूमर्स है हमें नहीं पता, पर हम तो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, आपका टाइम जो है इफ़ेक्टिवली यूज़ हो। ठीक है बेटा, तो आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं करना, अपने लाइफ बनाने के लिए आपने पढ़ाई करना है, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिस में फ्यूचर में काम आए। प्लीज़ इसके अलावा कोई अननेसेसरी कमेंट पास ना कीजिएगा बेटा, मेरा ये कंसर्न है कि अभी आप पढ़ने के लिए आए हो, हम पढ़ने पे ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। आपके क्वेश्चंस हमने एंटरटेन किए हैं, आज के टॉपिक्स है अपील, और अपील अगर हो गया तो उसके बाद में डिस्कशन हमारा होगा एडवांस रूलिंग पे। ये दो टॉपिक हो गए। मिसलिनियस में तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो लास्ट टॉपिक है। डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा, लेकिन मैं जैसे एडिशनल क्वेश्चन के मुझे पता थे कि ये टॉपिक्स आप बिल्कुल नहीं करते हो, इसलिए मैंने ये डिस्कशन कंटिन्यू किया। बाकी का मेरा तो यूट्यूब पे अवेलेबल है क्वेश्चन और डिस्कशन, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी है। पर हाँ, हम अलग अलग केसेस में ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जैसे आगे आरटीपी का है तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ डिस्कस रखूँ, आपके साथ कनेक्टेड रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं सब आपको इन्फॉर्मेशन सेशन के एंड में दूंगा। अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं, सेशन के एंड में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके क्लैरिफिकेशंस में दूंगा। और यस बेटा, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज ऐसे है कि इग्नोर अननेसेसरी कमेंट्स। तो बेटा हाँ, मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम का आपको बहुत टेंशन है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि पढ़ाई करो, हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ाई है। मैं तो बहुत दिल से चाहता हूँ एग्ज़ाम होनी चाहिए, पर बेटा इंस्टीट्यूट भी कुछ इसमें नहीं कर सकती, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे वर्स्ट होते जा रही है, स्पेशली कुछ एरिया में। पुणे मुंबई में तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में बढ़ रहे हैं, तो बेटा ये सिचुएशंस में हमको भी समझ कर चलना है। और लास्ट मेरे साथ कहिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है। तो एक लंबी सांस लो और चलिए हम यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं, आरटीपी कैसे होगा, आगे का डिस्कशन कैसे होगा, चार्ट रिवीजन कैसे होगा, मैं सब के बारे में ये क्लास के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, आपके सभी सवाल और क्वेश्चंस मैं एंडिंग में कंसीडर करूंगा। ओके, चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एडिशनल क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज थी, और इसमें बेटा हम डिस्कशन करेंगे अपील से रिलेटेड, और दूसरा हम डिस्कशन करेंगे एडवांस रूलिंग कि जितने भी देखते कितने क्वेश्चंस होते हैं। पर अपील से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे यहाँ पे एक चार्ट जो मैं हर रेगुलर क्लास में रिवीजन में लेता हूँ, अपील्स का रिलेटेड चार्ट, ये थोड़ा मैं आपसे जो है रिवाइज कर देता हूँ, तो 2 मिनट में रिवीजन भी हम कर लेंगे और आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, देखो, एडजुडिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, थोड़ा फ्लो समझ लो और फिर हम डिस्कशन पे जाते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। बुक अपने सामने रखिएगा, नोटबुक और पेन भी सामने रखिएगा, हमें समरी पॉइंट्स निकालने हैं, हमें
यहाँ पे उसके बेस पे डिस्कशन भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। आई होप मैं जो एग्ज़ाम आपको क्लास में कह रहा हूँ कि आपको समरी पॉइंट्स निकालना है, आप सभी निकाल रहे होगे, और जो भी निकाल रहे हैं ऑनेस्टली यस कहिएगा बेटा, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर चेक करूँगा। चलिए, दो मिनट, मैंने बूस्टर में दिया है तो भी दो मिनट में रिवाइज कर देता हूँ आपको। एडजुडिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर 62, 63, 65, 73 और 74। ऑफिसर ने एडजुडिकेशन 62 में यानी स्क्रूटिनी असेसमेंट में, या 63 में नॉन फिलर ऑफ मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 62, 63 यहाँ पे 63 आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो, या 65 समरी असेसमेंट हो, 73 या 74, ये सभी सेक्शन में जहाँ ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है असेसमेंट करके एडजुडिकेशन कर लिया है। एक बार फिर से, एडजुडिकेशन मतलब उसने शो कॉज नोटिस दी, इंक्वायरी कंप्लीट की और उसका फाइनल अमाउंट टैक्स का फिक्स किया, ठीक है। अब इसमें मैंने दो पार्ट की है। पहला पार्ट ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर एंड ऑर्डर बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ यहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी। ओके, तो रिविजनल अथॉरिटी बाय नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, रिविजनल अथॉरिटी कौन होनी चाहिए, तो बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अगर जीएसटी में कोई भी ऑफिसर आपको जो है यहाँ पे ऑर्डर देता है तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक, अगर उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, पहला स्टेप, अगर उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू आर द एग्रीड पर्सन, तो आप अपील में जा सकते हो, और पहली अपीलेबल अथॉरिटी होगी जिसे हम कहेंगे अपीलेट अथॉरिटी, AA अपीलेट अथॉरिटी। जनरली ये कमिश्नर अपील्स या एडिशनल कमिश्नर अपील्स ये जो होता है, तो यहाँ पे एडिशनल ऑर्डर, देखो अगर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर या उसके बिलो रैंक, हाँ सुना, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ने ऑर्डर दिया होगा एडजुडिकेशन करके, तो अपील जाएगी कमिश्नर अपील के पास, और ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, तो जॉइंट कमिश्नर अपील, यानी दो अपीलेबल अथॉरिटी रखी है। ये पहली बार जीएसटी में ऐसा हुआ, एक्साइज सर्विस टैक्स में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे ऑर्डर किसने एडजुडिकेट किया उसके बेस पे आपका अपीलेट अथॉरिटी होगा, तो कमिश्नर अपील या जॉइंट कमिश्नर अपील के पास आपकी पहली अपील जाएगी। नाउ बेटा, यहाँ अपील के पहले अब एक फंडा है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कोई भी अपील जब आप अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल, दो वर्ड ध्यान से पढ़ना, अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनके पास जब कोई भी अपील आप फाइल करते हो तो वो सिचुएशन में यहाँ प्री डिपॉजिट्स आपको देने हैं। तो ये जो प्री डिपॉजिट्स आपको देने हैं, क्योंकि अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपने केस को अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी प्री डिपॉजिट रखा है, यानी कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट रखोगे तो ही आपकी अपील एक्सेप्ट हो सकती है। और इसमें स्टे का, पहले तो एक्साइज में स्टे का भी था कि ये स्टे हो सकता था, लेकिन अभी जीएसटी में इसके ऊपर स्टे का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका स्टे लाना है तो आपको रिट पिटीशन ही फाइल करना है, वो हमारा एरिया डिस्कशन का नहीं है। दूसरा, अगर जो ऑर्डर दी गई वो ऑर्डर लीगल नहीं है, जो ऑफिसर ने एडजुडिकेट किया वो लीगल और प्रोप्राइटी नहीं है, मतलब एज पर लॉ नहीं है, या फिर ध्यान से सुनना, एज पर वर्ड बहुत क्लियर है, लीगल और प्रोप्राइटी, मतलब ऑफिसर अगर खुद का रेवेन्यू होता तो जो एज उसमें केयर लेता और जिस तरह से ऑर्डर फाइनल करता, उसने गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए उस तरह से पूरा ध्यान नहीं दिया, यानी प्रोप्राइटी नहीं है। तो कमिश्नर खुद होके, यानी जनरली ऐसा होता है बेटा कि जो लोअर अथॉरिटी यहाँ पे ऑर्डर देती है, वो लोअर अथॉरिटी की ऑर्डर जो है हायर अथॉरिटी चेक करती है कि भाई इसने कोई गड़बड़ तो नहीं की, इसने कोई यहाँ पे पैसा लेके सेटलमेंट तो नहीं किया, तो उनकी ऑर्डर यहाँ उनकी ऑर्डर रिव्यू के लिए ली जाती है। तो यहाँ पे जो रिव्यू होता है, मैं जनरली इस ऑर्डर को रिव्यू कहता हूँ, रिव्यू के लिए बाय कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ SGST और UTGST यहाँ पे कमिश्नर, मतलब क्या, खुद होके यानी फाइल ले रहा है, या फिर एडजुडिकेशन कोई सेंट्रल एक्साइज ऑफिस, एडजुडिकेशन सेंट्रल GST डिपार्टमेंट ने किया है, कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर ने, उसके लोअर अथॉरिटी ने, और स्टेट कमिश्नर उससे एग्री नहीं है, तो वो यहाँ पे सेंट्रल कमिश्नर को कह सकता है कि ये ऑर्डर फिर से देखो, मुझे लगता है कि आपके ऑफिसर ने ये ऑर्डर सही ढंग से एडजुडिकेट नहीं की है। तो फिर ये कमिश्नर
जो वो ऑर्डर है यानी ये जो रिव्यू के लिए लेके जाता है ये खुद नहीं करता है, ये अपीलेट अथॉरिटी के पास भेज देता है कि ठीक है जो लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर दी है अपीलेट अथॉरिटी उसको रिव्यू करेगी, वो खुद नहीं करता है, वो रिव्यू करवाता है कि भाई ये एज़ पर लॉ है या नहीं है या एज़ पर प्रोप्राइटी ऑर्डर है या नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद में बेटा यहाँ पर ये जो है तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि अपीलेट अथॉरिटी के पास कौन सी ऑर्डर आती है, तो एक ऑर्डर जो प्रॉपर ऑफिसर ने इशू किया है और वो ऑर्डर जो है यहाँ पे ऑफिसर होगा मे बी एडिशनल जॉइंट कमिश्नर या ओके वो या उसकी लोअर अथॉरिटी का ऑर्डर होगा तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास आएगा, या फिर कमिश्नर ने कोई ऑर्डर जो लीगल और प्रॉपर्टी नहीं है और रिव्यू के लिए लिया वो भेजा गया अपीलेट अथॉरिटी के पास रिव्यू के लिए। उसके बाद में ऑफिसर ऑर्डर बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी, मतलब क्या, अभी रिविजनल अथॉरिटी का एक नोटिफिकेशन है कि कोई भी हायर रैंक वाला ऑफिसर अपने लोअर रैंक वाले ऑफिसर की ऑर्डर जो है रिविजन के लिए ले सकता है। देखो रिव्यू और रिविजन दोनों में फ़र्क है, बेसिकली दोनों में फ़र्क है। रिव्यू मतलब भाई ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि ऑर्डर इरोनियस है, ये कन्फर्म नहीं आया कि ऑर्डर गलत है, बस वो एज़ पर लॉ नहीं है, तो वो एज पर लॉ है या नहीं है ये चेक करने के लिए ऑर्डर उठाई गई उसे कहा जाता है रिव्यू है, और वो भी कमिश्नर खुद नहीं करता है, उसके लोअर अथॉरिटी के ऑर्डर होता है पर वो खुद नहीं करता है, वो अपीलेट अथॉरिटी के पास भेजता है कि आप रिव्यू कर लो, समझ में आया, आप रिव्यू कर लो, उनके पास भेजता है, ठीक है उनके पास भेजता है। नाउ यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ रिविजनल कब होता है, रिविजन कब होता है, देखो इफ़ ऑर्डर ऑफ ऑफिसर इज इरोनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी छोटे 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर जो है इरोनियस है, इलीगल या इम्प्रॉपर है या नॉट कंसिडरिंग द मटेरियल फैक्ट्स, ओके ये क्लियर है कि इम्प्रॉपर है, इलीगल है, इरोनियस है या बहुत से मटेरियल फैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया गया है, तब ऑर्डर यहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी यहाँ पे उसको ओपन करती है। रिविजनल अथॉरिटी कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं है, ये जो भी उसके हायर रैंक का ऑफिसर है, जैसा जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ने एडजुडिकेट किया होगा तो उसके हायर रैंक वाला ऑफिसर कमिश्नर या चीफ कमिश्नर है ओके, वो ये जो ऑर्डर रिविजन के लिए ओपन कर सकता है ओके, रिविजनल अथॉरिटी ओपन कर सकता है। और ये जो इरोनियस ऑर्डर है या गलत ऑर्डर है जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा है तो वो ऑर्डर रिविजन के लिए ली जा सकती है, और रिविजनल अथॉरिटी वो ऑर्डर खुद ही उसमें चेंज करेगा। अब दोनों रिव्यू और रिवीजन में फर्क देख लो ओके, ऑर्डर अगर लीगल प्रॉपर्टी नहीं है तो कमिश्नर जो है वो खुद नहीं उसमें कोई अमेंडमेंट करेगा या एनहांसमेंट करेगा, वो देखेगा कि वो बाय लॉ सही है या गलत है, वो भेजेगा किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास। पर रिवीजन में ये प्रूव होना जरूरी है कि वो इरोनियस है, इलीगल है या नॉट कंसिडरिंग द मटेरियल फैक्ट्स है, तो उसका हायर रैंक वाला अथॉरिटी रिविजनल अथॉरिटी माना जाएगा और वो खुद ही ऑर्डर में एनहांसमेंट मॉडिफिकेशन और एनलिंग द ऑर्डर ओके, तो वो खुद ही उसमें चेंजेस कर सकेगा ओके। उसके बाद में यहाँ पे रिव्यू रिविजन ये यहाँ कौन से केस में होता है हमने देखा, फिर ऑर्डर अब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है या रिवीजन ऑर्डर है, आई रिपीट रिवीजन ऑर्डर है, जनरली ये कमिश्नर ही होता है, रिविजनल अथॉरिटी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर होता है, तो ये रिविजनल अथॉरिटी जो है अब इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पे यस जो टैक्सेबल पर्सन है वो सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई नहीं ये ऑर्डर गलत दे रहा है, यानी अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दी या रिविजनल अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दी वो गलत है, तो वो केस में वो अपील फाइल कर सकते हैं। अगेन आपको प्री डिपॉजिट आता है, कितना प्री डिपॉजिट होगा क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे ठीक है, तो प्री डिपॉजिट आता है आपको प्री डिपॉजिट देना है, और ये प्री डिपॉजिट इन एडिशन टू अर्लियर प्री डिपॉजिट होता है, अरे पहले तो जो दिया वो दिया ही, इन एडिशन टू दैट मेरे वर्ड सुना है, इन एडिशन टू दैट ये डिपॉजिट होता है, प्री डिपॉजिट होता है, उसके बाद केस जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप अपील फाइल कर सकते हो, जैसे एक रिव्यू करवा रहा हो ठीक है। बाकी तो मैंने बूस्टर रिविजन क्लासेस जो है अपलोड किए हैं, आज मॉर्निंग में अपलोड किए हैं तो आप देख सकते हो, बूस्टर रिविजन क्लास ओनली फॉर दिस 2-3 टॉपिक्स पहले कर रहा हूँ, पूरा नहीं, अननेसेसरी कमेंट मत ये करना ओके, व्हाट्सअप मत करना, ये जो मैंने कमिट किया था कि 3-4 टॉपिक के मैं रिविजन के लिए क्लास डाल दूंगा वो मैंने अपलोड किए, तो वो केस में यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास केस जाएगी। अब थोड़ा आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ AA और RA वेयर
वन ऑफ द डिस्प्यूटेड पॉइंट इन रिलेशन टू प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए ए का ऑर्डर है, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर है, उसमें एक भी पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा, डिस्प्यूटेड पॉइंट, या पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्प्यूटेड पॉइंट होगा, तो वो जो है यहाँ पे केस एंटरटेन करेगा, और वो एंटरटेन करेगा नेशनल या रीजनल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बेटा चार पार्ट में डिवाइड हुआ है, नेशनल, रीजनल जो सेंट्रल के कंट्रोल में है, और एरिया या स्टेट ट्रिब्यूनल जो स्टेट के कंट्रोल में है। तो नेशनल ट्रिब्यूनल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर दो स्टेट का मैटर हो जाता है, क्योंकि रेवेन्यू के यहाँ पे दूसरे स्टेट को जाता है। तो ये जो ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल के अंडर में बनाए गए हैं, नेशनल या रीजनल ट्रिब्यूनल, वो प्लेस ऑफ सप्लाई वाली केस हैंडल करेंगे, जिसमें पूरा केस प्लेस ऑफ सप्लाई का हो या वन ऑफ द मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का हो। लेकिन बाकी कोई भी मैटर होगा, तो बाकी कोई भी मैटर होगा तो स्टेट ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा या एरिया ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा, ठीक है। अब स्टेट ट्रिब्यूनल कौन से मैटर कितने लिमिट तक हैंडल करेगा, एरिया ट्रिब्यूनल कितने लिमिट तक मैटर करेगा, इसकी लिमिट अभी भी आना बाकी है, दो सवा दो साल हो गए, लेकिन कितने लिमिट तक कौन हैंडल करेगा इस पर फिलहाल कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा। अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब नेशनल ट्रिब्यूनल या रीजनल ट्रिब्यूनल ने केस हैंडल किया है और उसमें वन ऑफ द पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई है, और उससे भी आप अग्री नहीं हो या डिपार्टमेंट अग्री नहीं है, दोनों अग्रीड पार्टी हो सकती है, आप अग्री नहीं हो या डिपार्टमेंट अग्री नहीं होगा, तो वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ध्यान से सुनना, वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा, हाई कोर्ट में अपील नहीं होगा। इसके ऊपर दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी जो भी मैटर स्टेट और एरिया ट्रिब्यूनल डिसाइड किए हैं और वो मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है बेटा, तो फिर वो सिचुएशन में यहाँ पे वो हाई कोर्ट के पास जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब ओके इंटरप्रिटेशन मैटर, मतलब वर्डिंग से दो तीन इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं और इंटरप्रिटेशन मैटर है, उसे क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। या फिर वो केस अभी भी सेटल नहीं हुई है, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने डिफरेंट डिसीजन दिए हैं, तो अलग अलग डिसीजन के लिए यहाँ पे डिसीजन देने की वजह से अभी भी केस ओपन पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में वो क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा जाता है। ओके, यहाँ पे एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एचसी मतलब हाई कोर्ट। ओके बेटा, मैच्योर्ड हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे और हाई कोर्ट से फिर केस बेटा, अगर हाई कोर्ट केस के अगेंस्ट में आपको अपील फाइल करना है तो वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस कब जाती है, ये रूट से सुप्रीम कोर्ट में केस तब जाती है जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि दिस केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट। ऐसी बहुत सी बार हाई कोर्ट के डिसीजन आते हैं कि भाई ये हमारा डिसीजन है, लेकिन अगर टैक्स पेयर जाना चाहता है या डिपार्टमेंट अगर जाना चाहता है तो हम केस ये सर्टिफाई करते हैं कि वो फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट है, वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये डिसीजन देने के बाद एक लास्ट पैराग्राफ रखते हैं, ओके, हाईकोर्ट वाले, हाँ, जिसमें लास्ट पैराग्राफ नहीं है फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकती, वो रिट पिटीशन के थ्रू जा सकती है। रिट पिटीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो अलग है डिस्कशन पर अभी। ओके, यहां ये रूट से जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट ने लास्ट पैराग्राफ में सर्टिफाई करना चाहिए कि भाई दिस केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, अभी हमारा डिसीजन तो ये है, तो उसे हम कहते हैं, ओके, ये उसे जो है हम यहां पे फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। चलिए, तो ये हमने रिवीजन किया है बेटा। अब ये थोड़ा सा रिवीजन जो हमने किया इसके बेस पे, ओके, हम एडिशनल क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? चलो आ जाइए अपील चैप्टर में। चलो बेटा स्टार्ट करें, सभी को यस थम बताओ, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपने बुक, मैं आपके साथ निकाल रहा हूँ, ये देखो मैंने बुक ले लिया है, मैं अपील और रिवीजन चैप्टर सामने रख रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। सो आप रेडी हो? चलिए, अप्रोक्सीमेटली पेज नंबर 641 के आसपास होगा ये चैप्टर, आपके सामने रख लो।
दो मिनट टाइम देखता हूँ, फटाफट रिव्यू कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आज जो है यहाँ पे हम अब ये स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। मैंने आपने नोटबुक और ये पेन ले लिया होगा, हमें एनालिसिस भी करना है, कुछ पॉइंट्स हमें लिखना भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन। इन एन ऑर्डर डेटेड 28 अगस्त 2020 इश्यूड टू GHP लिमिटेड, द जॉइंट कमिश्नर ऑफ CGST हैज कन्फर्म CGST डिमांड 280 करोड़। चलो एनालिसिस पॉइंट में लिखो, ऑर्डर बाय जॉइंट कमिश्नर डेटेड 28 अगस्त और डिमांड जो है जीएसटी डिमांड CGST डिमांड 280 करोड़। ठीक है, कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर डिमांड ऑफ CGST एंड वॉन्ट टू नो हाउ मच प्री डिपॉजिट इट हैज टू मेक अंडर CGST एक्ट। प्री डिपॉजिट जो है वो बताना है। ओके, फॉर फाइलिंग अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी। चलो ये अपीलेट अथॉरिटी के सामने है और आपको प्री डिपॉजिट अमाउंट बताना है। अज्यूमिंग दैट अपीलेट अथॉरिटी ऑल्सो कन्फर्म द ऑर्डर ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर एंड कंपनी वॉन्ट टू फाइल अपील बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, आगे अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी फाइल करना है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, हाउ मच प्री डिपॉजिट इट हैज़ टू बी मेक अंडर CGST एक्ट। चलिए, तो CGST एक्ट के अंदर वो प्री डिपॉजिट कितना रहेगा। चलिए, तो आप प्री डिपॉजिट का सेक्शन नहीं याद आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं बेटा, और ज़िंदगी में अपने माइंड को प्रेशर देने का नहीं, लाइफ एक बार ही मिलती है, नहीं तो लर्न इट बाय डूइंग इट। ठीक है, ये फॉर्मूला जिंदगी में याद रखना, लर्न इट बाय डूइंग इट। तो चलो, प्री डिपॉजिट वाला क्वेश्चन कोई बता सकता है, क्वेश्चन नंबर क्या है प्री डिपॉजिट वाला? आ जाइए, हाँ यहाँ पे मैंडेटरी प्री डिपॉजिट क्वेश्चन नंबर 30 होगा अप्रोक्सीमेटली, वहाँ देखना पेज नंबर 653 पे होगा। चलो, तो अगर आप देखते हो तो प्री डिपॉजिट यहाँ पे अगर आपका केस अपीलेट अथॉरिटी के पास है तो वर्डिंग क्या है, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट फाइन फी पेनल्टी अराइजिंग अंडर दिस गिवन ऑर्डर एडमिटेड बाय हिम, अंडरलाइन दैट वर्ड एडमिटेड बाय हिम, मतलब जो यहाँ पे टैक्स पेयर खुद एडमिट कर रहा है, आई रिपीट, जो टैक्स पेयर खुद एडमिट कर रहा है कि हाँ इतना पेबल है, उतना पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और एक्सेट्रा, और बी सम इक्वल्स टू 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द सेड ऑर्डर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़। अब देखो, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका यहाँ पे कितना 10%, पर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बेटा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जस्ट इतना याद आ रहा है टैक्स इंटरेस्ट और 10%, इतना ही याद आ रहा है तो आप छोटी गलती कर लोगे। ठीक है, इसलिए जब भी आप क्वेश्चंस देखते हो ना, जब भी आप रिवाइज करते हो ना, तो फिर से मेन टेक्स्ट एक बार पढ़ लेना, ये आदत इतनी लगा दो, जब भी क्वेश्चन मेन टेक्स्ट क्या कहता है, हर वर्ड क्या कहता है, लास्ट टाइम ध्यान नहीं गया तो अभी इस बार वो कहता है कि पहले तो ए जो है जितना आपने एडमिट किया उतना पूरा, और बाद में जो एडमिट नहीं किया उसका 10% पर मैक्सिमम 25 करोड़। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप देखते हो द कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर डिमांड ऑफ GST, मतलब वो कुछ भी एडमिट नहीं कर रहा है, डिस्प्यूटिंग एंटायर अमाउंट ऑफ GST वो एडमिट कर रहा है यहाँ पे, मतलब ए वाला जो होगा वो जीरो होगा क्योंकि उसने कुछ भी एडमिट नहीं किया है। हाँ, जो एडमिट किया है वो प्लस 10%, तो वो कुछ भी एडमिट नहीं कर रहा है, मतलब एंटायर अमाउंट वो डिसएग्री कर रहा है, तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10%, बट मैक्सिमम कितना बेटा यहाँ पे 25 करोड़। तो अब देखो, ये हमने एक डिस्कशन किया, साइड में लिखो एनालिसिस में सेक्शन कौन सा, तो 107 याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात, 106 याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात, सेक्शन 107 याद रह जाए तो इट्स ओके। पहले लीगल प्रोविजन, आपको लीगल प्रोविजन लिखनी पड़ेगी कि कितना है, उसके बाद में इन गिवन केस अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट जो रहेगा, यहाँ पे 280 करोड़ का अमाउंट है तो 28 करोड़ या 25 करोड़, विच एवर इज हायर। हाँ, तो आपको दो ए और बी
ए प्लस बी, तो आपको क्या करना था, मैं तो चाहता हूँ ये पैराग्राफ से ज़्यादा आप ए, ए में क्या जो आप एडमिट कर रहे हो, और बी में 10% नॉन एडमिटेड, तो जो एडमिट कर रहे हो वो नील है, और उस दूसरे केस में 10% या 25 करोड़, विच एवर इज हायर, तो ये 25 करोड़ इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ओके तो मैक्सिमम 25 करोड़, तो ये मैक्सिमम 25 करोड़ ऐसे मत इंटरप्रेट करना, वो ये क्या है, पहले तो जो एडमिटेड है, एडमिटेड है टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस यहाँ पे टैक्स, उन्होंने क्या क्या दिया, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन फाइन एक्सेट्रा, और जो नॉन एडमिटेड है वहाँ, नॉन एडमिटेड है वहाँ ये लिमिट लगाना बेटा, जो नॉन एडमिटेड है उसमें 10% और मैक्स 25 करोड़, ठीक है, तो वो लिमिट पूरे को मत लगाना, ये प्लस है एडमिटेड प्लस जो नॉन एडमिटेड है उसमें मैक्सिमम 20, समझ लो ये प्रॉब्लम में एडमिटेड होता और एडमिटेड यहाँ पे ओके 50 करोड़ होता, ओके तो एडमिटेड 280 करोड़ में से 50 करोड़ एडमिटेड होता, ठीक है, तो 50 करोड़ प्लस यस सॉरी सॉरी अपन ऐसा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे देखो ये जब 10 करोड़ ही एडमिटेड होता कि उसने 10 करोड़ एडमिटेड किया, तो अब 10 करोड़ प्लस यहाँ पे बचा हुआ 270 का 10% या 25 करोड़ मैक्सिमम, तो इतना आपका प्री डिपॉजिट हो जाता, ये बात समझ में आई आपको, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होता, तो ये इस बात का आपने ध्यान देना। देखो पहले अगर आपका ध्यान नहीं गया होगा तो अभी ध्यान चले गया, यही तो फायदा है बेटा। ओके तो क्वेश्चन आंसर किताब ओके और वापस एक बार उसको रिपीट करो, एज दो, जितना आप ज़्यादा खेलोगे ना उतना एज आएगा, तो खेलते जाओ। ओके याद करने की कोशिश मत करना, चलो ये हो गया। और आपको एक बात बता दूँ, अगर ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है तो ट्रिब्यूनल के पास यहाँ पे वो जो है नॉन एडमिटेड का 20%, नॉन एडमिटेड का 20% या 50 करोड़, विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 28 करोड़ सॉरी 20% है 56 करोड़ या 50 करोड़, विच इज लोअर सॉरी हायर नहीं, तो यहाँ 50 करोड़ फाइनल होगा। अब मैं आपको ये बताऊँ क्या, अब इसको लिखना कैसे चाहिए, अब अगर आप यहाँ पे ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, आप ये पहले ये लिखे फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल का लिखे फिर ट्रिब्यूनल ओके अपीलेट अथॉरिटी का लिखे फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल का लिखे, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है बहुत, तो फिर एक क्यों ना इसको शॉर्ट करें, टाइम बचाए। ओके शॉर्ट करें, द प्री डिपॉजिट लिमिट इज एज फॉलोज अंडर दिस सेक्शन 107 लिख दिया, दैट्स इनफ। ओके फिर क्या होना करना, पर्टिकुलर्स अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, पर्टिकुलर्स में यहाँ पे एडमिटेड नॉन एडमिटेड, एडमिटेड में दोनों ओके व्हाट इज द अमाउंट एडमिटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, नॉन एडमिटेड में ओके इधर ये लिख देना कि 10% या मैक्स 25 करोड़, इधर जो है ओके 20% और मैक्स 50 करोड़। ओके तो अब और नीचे लिखना कि प्री डिपॉजिट इन अपीलेट ट्रिब्यूनल इज इन एडिशन टू प्री डिपॉजिट मेड इन अपीलेट अथॉरिटी। ओके तो अपीलेट अथॉरिटी में जो है वो इन एडिशन टू रहेगा प्री डिपॉजिट, क्योंकि एक्ट में बहुत क्लियर वर्ड में दिया है इन एडिशन टू डिपॉजिट मेड टू अपीलेट अथॉरिटी, तो ये एडिशनल रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखना है। तो टेबल निकालना ज़्यादा बेटर है, तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर दिया, यानी इतना सब लिखने के बजाय टेबल निकाल के लिख लिया तो इनफ, और आपने कैलकुलेशन बता दी दोनों केस में, सो दैट्स वेरी यूजफुल टू यू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आया, तो बेटा 1 समझ गया सबको, यस कहिए मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाइए फटाफट, यस ओके थम आना चाहिए आपका। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121 ऑफ CGST एक्ट 2017 स्पेसिफाई द ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील कैन बी फाइल, ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में सेक्शन 121 ऑफ CGST एक्ट 2017 स्पेसिफाई द ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील कैन बी फाइल। चलो 121 क्या था, चलो बुक तो देख लो कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते हो आप, देखो आपकी बुक 121 क्या था, अब नहीं दिख रहा 121, तो इंडेक्स देखो, इंडेक्स में मैंने दिया है सेक्शन 121
पेज नंबर 657 पे लास्ट। अब इंस्टीट्यूट का एक आदत होता है बेटा, जहां आप एंड करते हो ना, कभी कभी वो वहां से स्टार्ट करती है, क्योंकि ये जान दो तीन क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो चैप्टर पहले तो ये पहले एंडिंग के चैप्टर उसमें भी वो लास्ट में दिए है, और लास्ट में दिए तो ये जो है यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन उठा लेती है, तो ही तो रिजल्ट लगेगा ना। तो चलो, बिल्कुल आपको याद नहीं होगा कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में कभी अपील फाइल नहीं हो सकती, ओके ये बिल्कुल आपको याद नहीं होगा, पर मैं अभी समझा देता हूँ। चलो अभी भी समझ गए तो दैट्स इनफ। तो आर यू रेडी? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 सही है। जस्ट अ मिनट बेटा, नाउ विथ रेफरेंस टू सेक्शन 121 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, नो अपील शैल बी लाय अगेंस्ट एनी डिसीजन टेकन और ऑर्डर पास बाय सीजीएसटी ऑफिसर इफ सच डिसीजन टेकन और ऑर्डर पास रिलेट टू एनी वन और मोर फॉलोइंग मैटर। ओके, हर मैटर समझ लो कि जहाँ ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं आएगी। पहला, ऑर्डर ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनादर ऑफिसर। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि एक ऑफिसर से भाई आप अगर यहाँ पे उसने एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास प्रोसीडिंग शिफ्ट कर दी आपकी, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में कि ये कमिश्नर ने हम ओके ये ऑफिसर के पास अच्छा चल रहा था मेरा, कि ये ऑफिसर के साथ मेरी बातचीत भी अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसने दूसरे ऑफिसर को क्यों शिफ्ट कर दी, इसकी अपील नहीं आप फाइल कर सकते हो। दूसरा, ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड सीज कर लिए होंगे तो वो ऑर्डर के अगेंस्ट में कभी भी अपील फाइल नहीं हो सकती। सीज जो है यहाँ पे, सीजर जो है यहाँ उनका बेसिक राइट है। उसके बाद में ऑर्डर सैंक्शनिंग द प्रोसिक्यूशन अंडर सीजीएसटी एक्ट, अगर प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर सैंक्शन हो गई होगी तो उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन मतलब अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। और लास्ट, ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। तो ये लर्न करके जाना क्वेश्चन, ये चार ऑर्डर के अगेंस्ट में कभी भी जो है यहाँ पे अपील फाइल नहीं हो सकती ऑफिसर की ये जो ऑर्डर है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सेक्शन 108 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, एलेबरेट वेदर सीजीएसटी एसजीएसटी अथॉरिटी कैन रिवाइज एन ऑर्डर पास बाय द सबऑर्डिनेट, रिवीजन ऑफ द ऑर्डर। ओके, मैंने पढ़ाया है। ओके, अब इसको लिखना कैसे है? बिल्कुल वो रिवाइज कर सकते हैं जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने पास किया है। ओके, कब रिवाइज कर सकते हैं? इरोनियस हो या मटेरियल फैक्ट्स पे ना दो या फिर इलीगल हो तो रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए ये पूरा सेक्शन सेक्शन साइड में लिखो, रिवीजन कौन सा सेक्शन है? 108। तो 108 को हम देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो इन्होंने कौन कौन, पहले आंसर देखो और कौन कौन से केस में कौन से सेक्शंस रेफर किए। सेक्शन 299 लिखो साइड में, याद नहीं रहा तो भी चलेगा। सेक्शन 299 देखेंगे तो क्यों रेफर किया, क्यों हमारे से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 299, उसके बाद में सेक्शन 108, 107 भी रेफरेंस दिया है, ठीक है, और दो तीन सेक्शन उन्होंने रेफर किए हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंटेशन। सेक्शन 299 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिफाइन रिविजनल अथॉरिटी एंड अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज अंडर सीजीएसटी एक्ट फॉर रिविजन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 108 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब 108 मतलब रिविजनल अथॉरिटी, और रिविजनल अथॉरिटी फिलहाल जो है कि जो आप कमिश्नर ओके चीफ कमिश्नर ये रिविजनल अथॉरिटी में आएंगे, तो रिविजनल अथॉरिटी जो डिफाइन की गई इसके नोटिफिकेशन आएंगे वो रिविजनल अथॉरिटी मानी जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें स्पेसिफिक ये देखना है कि
क्या रिविजनल अथॉरिटी रिवाइज करनी है, रिविजनल अथॉरिटी ओके या प्रोसीडिंग रिविजन के लिए ले सकती है क्या सेक्शन 108 में? तो अब यहाँ पे बेटा ये सेक्शन आपकी मर्जी, लिखना हो तो लिखो, 108 क्या कहता है इस पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेक्शन 108 ऑफ द CGST एक्ट ऑथराइजेस सच रिविजनल अथॉरिटी टू कॉल फॉर एंड एग्जामिन एनी ऑर्डर पास बाय हिम पास बाय हिज सबॉर्डिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबॉर्डिनेट एंड इन केस कंसिडर ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटी टू बी इरोनियस, पहला वर्ड मिल गया, ये वर्ड आना चाहिए, इन सो फार एज इट इज प्रीजुडिशियल टू रेवेन्यू, इलीगल और इम्प्रॉपर और हैज नॉट टेकन इन टू अकाउंट सर्टन मटेरियल फैक्ट्स वेदर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ सीड ऑर्डर और नॉट इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द CAG, ही मे इट नेसेसरी कैन रिवाइज द ऑर्डर आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड टू द नोटिस। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ टेक्निकल वर्ड्स में लिखने के बजाय आप अभी मेरा डिस्कशन होने के बाद इसको रिवाइज करोगे कैसे? तो नाउ हियर रिविजनल अथॉरिटी, ओके, रिविजनल अथॉरिटी कैन टेक द ऑर्डर ऑफ रिविजन ऑफ देयर सब ऑर्डिनेटर अथॉरिटी इन फॉलोइंग केसेस, वन, ऑर्डर इज इरोनियस एंड विच प्रिजुडिशली अफेक्ट द रेवेन्यू, और सेकेंड ऑर्डर इज इलीगल और इम्प्रॉपर ऑर्डर है, या ओके इट इज कंसिडर और ऑर्डर ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ CAG इज नॉट इलीगल सॉरी इज नॉट इम्प्रॉपर, ये भी पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो कि इम्प्रॉपर ऑर्डर है ऑन द ऑब्जर्वेशन डन बाय CAG, तो यह रिविजन के लिए आ सकता है। अब यहाँ आगे वो क्या कहते, देखो, रिविजनल अथॉरिटी शैल रिवाइज एनी ऑर्डर इफ, कोई भी ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं, इफ ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील अंडर सेक्शन 107 और अंडर सेक्शन 112 और अंडर 117 और सेक्शन 118, लेकिन ओके रिविजनल अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर रिवाइज कर सकती है पर नीचे दी गई ऑर्डर वो रिवाइज नहीं कर सकती, शैल नॉट रिवाइज एनी ऑर्डर, ओके, यानी नीचे दिए गए ऑर्डर्स होगी तो वो रिवाइज नहीं कर सकती। मतलब क्या, अगर आपने अपील फाइल कर दी है और वो ऑर्डर ओके ये रिस्पेक्टिव सेक्शन में, मतलब अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील में पेंडिंग है या फिर ट्रिब्यूनल के पास, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो वो रिवाइज नहीं कर सकते। सेकेंड, पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 102 हैज नॉट येट एक्सपायर्ड और मोर देन 3 ईयर्स हैज एक्सपायर्ड आफ्टर पासिंग द डिसीजन ऑफ ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज। मतलब क्या, सेक्शन 1072 ओके आप ओपन करके देखो तो सेक्शन 1072 में ओके 107 किस बात का है, तो अपीलेट अथॉरिटी के पास अब ऑर्डर फाइल करोगे और 3 महीने में ऑर्डर फाइल करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जिस दिन ऑर्डर आई वहाँ से 3 महीने तक ऑफिसर रिवीजन के लिए नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो वेट करेगा कि इसका कोई अपील फाइल करता है क्या। तो अपीलेट अथॉरिटी में 3 महीने तक या जो भी एक्सटेंडेड पीरियड होगा फॉर फर्दर 3 मंथ्स, तो 3 महीने तक जो है यहाँ पे वेट करेगा कि कोई रिवीजन के लिए लेता है क्या, सॉरी अपील के लिए लेता है क्या। अगर 3 महीने में जो है अपील फाइल नहीं की वो उसकी, तो वो सिचुएशन में ही वो रिविजन के लिए लेगा, 3 महीने तक वेट करेगा। या सेकेंड, मोर देन 3 ईयर्स हैज एक्सपायर्ड आफ्टर पासिंग द डिसीजन और ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज, ओके, हाँ, और ऑर्डर जो पास हो गई वो 3 साल हो चुके और 3 साल में कोई अपील भी फाइल नहीं हुई और ये भी भूल गए रिवीजन के लिए, तो 3 साल के बाद वो रिवीजन के लिए नहीं ले सकते। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बात, दोनों पॉइंट ध्यान रखना, 3 महीने तक वो वेट करेगा, वो हाथ ही नहीं लगा सकता ऑर्डर तक, ओके, या एक्सटेंडेड पीरियड, वो ये देखेगा कि कोई अपील फाइल होता है क्या, ठीक है, और उसके बाद में अगर ऑर्डर पास होने को 3 साल हो गए और कोई अपील भी फाइल नहीं हुई तो वो रिवीजन के लिए नहीं ले सकता, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप फॉर रिवीजन अंडर दिस सेक्शन एट एनी अर्लियर स्टेज, मतलब इसके पहले अगर वो रिवीजन के लिए ले लिया गया होगा तो फिर अब वो वापस रिवीजन के लिए नहीं लिया जाएगा। और ऑर्डर ऑफ रिविजनल ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई रिविजनल ऑर्डर होगा तो उसको वापस रिवाइज नहीं किया जा सकता, ओके, मतलब दो सी पॉइंट और डी पॉइंट में फर्क समझ लो। अगर ये ऑर्डर पहले रिवीजन के लिए ले लिया गया, अभी ऑर्डर आना बाकी है पर पहले रिवीजन के लिए ले लिया गया, तो फिर से उसको रिवीजन के लिए नहीं लिया जाएगा किसी अदर स्टेट में या कहीं पे भी। और दूसरी बात, ओके, उसको रिवीजन ऑर्डर मिल गया होगा,
मतलब पहले वाले केस में प्रोसेस में था और कोई रीजनल अथॉरिटी ने ले लिया कोई स्टेट में, तो फिर दूसरे स्टेट में वो रिविजन के लिए नहीं लिया जाएगा, या नेक्स्ट यहाँ पे रिविजनल ऑर्डर पहले दे दिया गया तो फिर से उसको रिविजन के लिए नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सेक्शन 107 में अपीलेट ऑथोरिटी के पास जो आप अपील फाइल करोगे यहाँ पे, नहीं यहाँ बेटा आप देखिए कश्यप 6 मंथ्स नहीं है, वो 3 मंथ्स ही है। एंड कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 1 मंथ है। एक मिनट, थ्री मंथ्स है करेक्ट, वो एसएससी के लिए 3 मंथ्स ही है बेटा यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से पढ़िएगा। चलो वाटर रेट में भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे मिस्टर ए हैड फाइल चलिए तो अब यहां नेक्स्ट मिस्टर क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर ए हैड फाइल एन अपील बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी वेयर द इश्यू इन्वॉल्व रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई। एक मिनट, एक बार फिर समझ लो, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यहाँ पे दो पीरियड दिए, एक 3 मंथ्स और एक 6 मंथ्स। अब आप अगर देखोगे तो 3 मंथ्स यानी अगर आपको अपील फाइल करनी है और रिव्यू के लिए ले जाना है तो सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 में, आई रिपीट सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 में अगर आपकी ऑर्डर रिव्यू के लिए होगा तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर। तो यस यहाँ पे सेक्शन 107(2) में 6 मंथ्स दिए है, मतलब आपको जो है 6 मंथ्स यानी 3 मंथ्स तो वैसे ही क्या, अगर आपको अपील का टाइम है और सेक्शन 107(2) में 6 मंथ्स तक वेट किया जाएगा। तो मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल सही हो आप कि सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 में यहाँ पे 6 मंथ्स दिया है, मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ ये वेट किया जाएगा कि कमिश्नर जो है वो भी टाइम पीरियड कंसिडर होगा कि कमिश्नर जो है कमिश्नर यहाँ पे कि रिव्यू के लिए वो ऑर्डर डालता है क्या, इलीगल और प्रॉपर्टी के केस में रिव्यू के लिए डालता है क्या, अगर नहीं डाला गया तो उसको रिवीजन के लिए लिया जा सकता है। तो यस यू आर करेक्ट बेटा। तो डिपार्टमेंट अगर यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहा है और रिव्यू का दे रहा है तो वो केस में 6 मंथ अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मल टाइम पीरियड 3 मंथ्स है पर रिव्यू का टाइम पीरियड 6 मंथ्स है। चलिए तो यहाँ इन लास्ट में ये कंटिन्यू करता हूं कि ये 107(2) में यहां पे 6 मंथ्स मैक्सिमम पीरियड रहेगा कि 6 मंथ्स के केस मतलब वेट किया जाएगा कि ये रिव्यू के लिए जाएगा क्या, नहीं जा रहा है तो फिर वो रिवीजन के लिए उठाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते बेटा, मिस्टर ए हैड फाइल एन अपील बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी appellate authority against an order of appellate authority where the issue involved relate to place of supply, the order of appellate tribunal is also in favor of department,
ध्यान से एनालिसिस कीजिएगा. मिस्टर ए हैड फाइल अपील बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी वेर इश्यू इन्वॉल्व रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई. अंडरलाइन द वर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई. द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट. मिस्टर ए वॉन्ट टू फाइल अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी एज ही फील्स दैट स्टैंड टेकन बाय हिम इज करेक्ट. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम सुटेबली विथ रिगार्ड टू फाइलिंग एन अपील बिफोर अपीलेट फोरम हायर दैन द अपीलेट ट्रिब्यूनल. अब मुझे ये बताओ यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल ये बताइए कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की ऑर्डर में अगर एक पॉइंट भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, एक पॉइंट भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगी या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी. बिल्कुल सही. तो यस, यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका प्रेजेंटेशन हम देखते हैं. यस अनु, यू आर करेक्ट. 6 महीना जो लिया जाएगा अगर रिव्यू का केस होगा तो 6 महीना, अगर रिव्यू का केस नहीं है, डायरेक्ट अपील का है तो 3 महीना. पर हम उसको ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम 6 मंथ्स. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी. श्रेया यू आर करेक्ट, वैभव यू आर करेक्ट, नीरज आप भी सही हो. तो देखो एज पर सेक्शन 117 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय स्टेट बेंच और एरिया बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल लाइज टू हाई कोर्ट इफ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच अपील इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. However, appeal against the order passed by national bench या regional bench, okay, Supreme Court में जाएगा and not High Court, जिसमें one of the question is place of supply. तो बेटा अब institute क्या expect कर रही है अगर ये question आपके सामने आया तो? अगर कोई student directly ये लिख रहा है कि if there is a question of question which involve place of supply and the order is given by national या regional bench, then अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. तो अगर आप 2-3 लाइन में आंसर दे रहे हो और क्वेश्चन 3 मार्क का है तो आपको फिर से पूरे मार्क्स नहीं आएंगे. तो इंस्टीट्यूट हमारे से क्या चाहती है, सेक्शन 117, अगर सेक्शन याद रहे तो, अदरवाइज याद करने की कोशिश मत करना. तो 117 में आप पहले ये क्लैरिफाई करें कि कौन सी ऑर्डर हाईकोर्ट के पास जाएगी और कौन सी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी. तो पहले आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा और फिर आंसर को कंक्लूड करना पड़ेगा. तो आप ये आंसर लिखते वक्त पॉइंट फिक्स कीजिएगा आंसर देख के कि पहले मैं एरिया बेंच और स्टेट बेंच का लिखूंगा कि ये हाई कोर्ट के पास जाएगा इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, और सेकंड केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा और नेशनल और रीजनल बेंच का होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और फिर केस को कंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लेंगे यहाँ पे. ओके, पर्सुएंट टू द ऑडिट कंडक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 65 ऑफ द CGST एक्ट 2017. ओके, साइड में लिखो एनालिसिस में ये क्वेश्चन में ऑडिट हुआ सेक्शन 65 में. ठीक है, अ शो कॉज नोटिस वॉज इश्यूड टू होम फर्निशर्स सूरत अ रजिस्टर्ड सप्लायर एलिजिंग दैट इट हैज रॉन्गली अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द गुड्स. लिखो सेकेंड पॉइंट एनालिसिस में, रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ ITC विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स जुलाई 2020. लिखा आपने, ठीक है. इन द अब्सेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम होम फर्निशर्स जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स पास एन एडजुडिकेशन ऑर्डर डेटेड ऑन 20th August. ठीक है, कमिश्नर ने, जॉइंट कमिश्नर ने ऑर्डर दिया. लिखो फैक्ट्स. यहाँ पे 22nd August को, उसके बाद में कंफर्मिंग एंड टैक्स डिमांड ऑफ 50,000, टैक्स अमाउंट लिख दो 50,000, इम्पोजिंग द पेनल्टी इक्वल्स टू इक्वल अमाउंट इक्वल अंडर सेक्शन 121, यानी 100% पेनल्टी लगी है. लिख दो पेनल्टी 100% है. बेटा मेरे साथ एनालिसिस करो, अगर पुराने इस पे कोई क्वेश्चन होगा तो बाद में, अभी मेरे साथ एनालिसिस करना शुरू करो, फैक्ट्स लिखते जाओ. होम फर्निशर डज नॉट एग्री विद द ऑर्डर पास बाय जॉइंट कमिश्नर, वो बिल्कुल एग्री नहीं है. इट डिसाइड टू फाइल अपील विद द अपीलेट अथॉरिटी एंड अगेंस्ट सेड एडजुडिकेशन ऑर्डर. मतलब फर्स्ट अपील वो फाइल कर रहा है अपीलेट अथॉरिटी के पास. इट हैज अप्रोच यू फॉर सीकिंग एडवाइस ऑन द फॉलोइंग इश्यूज इन दिस रिगार्ड, आपसे कुछ एडवाइस चाहता है. ठीक है, पहला,
कैन होम फर्निशर्स फाइल एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द एडजुडिकेशन ऑर्डर पास बाय जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स? ऑर्डर किसका है? जॉइंट कमिश्नर का है. इफ यस टिल व्हाट डेट कैन फाइल बी अपील? हाँ, ख्याल रहे यहाँ पे क्या वो अपील फाइल कर सकता है जॉइंट कमिश्नर के ऑर्डर का अपीलेट अथॉरिटी के पास? यस, फाइल कर सकता है जॉइंट कमिश्नर ऑर्डर के पास. पर यहाँ अपीलेट अथॉरिटी कौन रहेगी बेटा, कोई बता सकता है? जॉइंट कमिश्नर का है तो कमिश्नर अपील अपीलेट अथॉरिटी रहेगी. तो देखो आंसर यहाँ पे, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर CGST, SGST और UTGST एक्ट इज अपीलेबल बिफोर अपीलेट अथॉरिटी. वो अपीलेबल होगा और अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा. दस होम फर्निशर कैन फाइल अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द एडजुडिकेशन ऑर्डर पास बाय जॉइंट कमिश्नर. तो वो अपील फाइल कर सकता है. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, फर्दर सच अपील कैन बी फाइल विद इन 3 months. 3 महीने में वो अपील फाइल करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर. और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 1 month है, यहाँ ध्यान रखना. यहाँ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 1 month है, ठीक है? तो 1 month कॉन्डोन किया जा सकता है. तो पहले इसका आंसर, ओके, समरी आपको करना है. और मैं आपको कहूँ कि आंसर लिखते वक्त CGST, UTGST, SGST ऐसे तीनों एक्ट मत लिखना, शॉर्ट में लिख देना एज पर GST एक्ट. अगर आपने शॉर्ट में भी लिख दिया ना एज पर GST एक्ट, दैट्स इनफ, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ 3 महीने में उसको अपील फाइल करना है. डेट भी दिया है कौन से 3 महीने में फाइल करना है, और विद इन दैट पीरियड उसको अपील फाइल कर देना है. कॉन्डोनेशन उसको 1 month मिल सकता है. उसके बाद में सेकेंड बेटा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा, डज होम फर्निशर्स नीड टू अप्रोच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट अपीलेट अथॉरिटी फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ अपील? यानी अगर उसको अपीलेट, यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा. डज होम फर्निशर नीड टू अप्रोच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट अपीलेट अथॉरिटी फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ अपील? तो यहाँ पे देखो, ये आपको थोड़ा बुक में एक जगह नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह मिलेगा, इसलिए इसको रीड करके आपको समझाता हूँ. ये क्वेश्चन, GST लॉ मेक द प्रोविजन फॉर क्रॉस एम्पावरमेंट पावर ऑफ CGST, SGST, UTGST ऑफिसर सो हैज टू इंश्योर दैट ए प्रॉपर ऑफिसर ऑफ वन एक्ट पासेस एन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्रांजेक्शन, ही विल ऑल्सो एक्ट एज अ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ SGST फॉर द सेम ट्रांजेक्शन एंड इश्यू द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CGST एज वेल एज SGST, UTGST. अब आपको बता देता हूँ, देखो जहाँ तक अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल बहुत क्लियर है कि भाई नेशनल रीजनल होगा तो सेंट्रल के कंट्रोल में रहेगा, और स्टेट और एरिया रहेगा तो वो स्टेट के कंट्रोल में रहेगा. नेशनल ट्रिब्यूनल के पास एक ही केस जा सकती है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई है, और बाकी सब केसेस स्टेट और एरिया के पास जाएगी. जिसमें एक डिस्प्यूटेड पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई है, बाकी सब केसेस स्टेट और एरिया के पास जाएगी. ट्रिब्यूनल के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. यहाँ क्वेश्चन है अपीलेट अथॉरिटी के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, अपीलेट अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन है. तो ये अभी तक इसको फाइनल नहीं किया गया, पर ऐसा डिस्कशन में था GST काउंसिल के कि केसेस अगर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के नीचे होगी तो यहाँ पे स्टेट कमिश्नर अपील मतलब स्टेट के पास रहेगा, और अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होगी तो सेंट्रल के पास जाएगा. इसमें आज भी सेंट्रल और स्टेट में झगड़ा चालू है कि कितने लिमिट से कितने, क्योंकि स्टेट वाले 5 करोड़ की लिमिट मांग रहा है. ये एग्जाम में नहीं लिखना, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. 5 करोड़ की नहीं, 1.5 करोड़ बहुत कम होता है, 5 करोड़ करो. 5 करोड़ या उससे नीचे की कम केसेस होगी तो ऐसे केस में स्टेट कमिश्नर हैंडल करेगा यहाँ पे, और उससे ज़्यादा होगा तो सेंट्रल. अभी तक ये इश्यू सेटल नहीं हुआ है GST काउंसिल में, तो अभी कोई भी केस कोई भी उठा सकता है. और क्रॉस एम्पावरमेंट है, मतलब क्या, अगर आपकी केस यहाँ पे एडजुडिकेट कर ली और वो यहाँ पे एडजुडिकेट सेंट्रल वाले ने कर ली, तो वो सेंट्रल वाला कमिश्नर जो है ओके, वो स्टेट के बिहाफ पे वो एक्ट कर सकता है. मतलब उसने जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल है. या स्टेट वाले ने अगर केस उठा लिया पहले, तो वो जो है सेंट्रल की बिहाफ पे एक्ट कर सकता है. तो ऐसे केस में अभी क्रॉस एम्पावरमेंट है. तो पहला पैराग्राफ जो है क्रॉस एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है. दूसरा, लॉ फर्दर प्रोवाइड दैट वे प्रॉपर ऑफिसर अंडर द एक्ट से CGST हैज पास एन ऑर्डर एन अपील रिव्यू रिविजन
rectification against the said order will lie only with the proper officer of that act only. हाँ, लेकिन state ये कहता है कि अगर adjudication CGST act में हो गया होगा तो फिर उसकी appeal, review, revision जो होगा ओके वो सीजीएसटी एक्ट में ही कंटिन्यू रहेगा, फिर वो स्टेट में नहीं जाएगा. मतलब वो केस में अपीलेट अथॉरिटी जो रहेगी, अपीलेट अथॉरिटी भी फिर सेंट्रल की रहेगी, मतलब सेंट्रल कमिश्नर अपील्स या ओके सीजीएसटी का जॉइंट कमिश्नर अपील्स यही रहेगा. रिवीजन के लिए भी यहाँ पे जो हायर रैंक ऑफ ऑफिसर रहेगा वो सेंट्रल का ही रहेगा. इज इट क्लियर? सिमिलरली इफ ऑर्डर पास बाय एसजीएसटी एंड अपील रिव्यू रिविजन will lie with the proper officer of SGST only. Thus, home furnishers is required to file appeal only with the central appellate authority. हाँ, तो ये technical point है और ये आप थोड़ा समझिएगा, ये आपको कहीं एक जगह नहीं मिलेगा. ओके, एक ये यहाँ अलग अलग सेक्शन में अलग अलग ये यहाँ पे कवर किया गया है. ओके, इसकी डिटेल सेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट में, जो पहले स्टार्टिंग के सेक्शन से उसमें दी गई है, एम्पावरमेंट ऑफ ऑफिसर. तो चलो, आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी ये पॉइंट को ध्यान रखना. वो पॉइंट ये है बेटा कि यहाँ पे अभी जो मैंने कहा 1.5 करोड़ 5 करोड़ वो भूल जाना, अभी तक अमाउंट सेटल नहीं हुआ है. कोई भी केस यहाँ ऑफिसर उठा सकता है फॉर यहाँ पे एडजुडिकेशन, स्टेट या सेंट्रल कोई भी उठा सकता है. पर अगर सेंट्रल ऑफिसर ने केस यहाँ एडजुडिकेशन के लिए लिया तो स्टेट के बिहाफ पे एक्ट करेगा, उसने जो ऑर्डर रही वो दोनों के लिए लागू रहेगी. और स्टेट जो है अगर कोई केस लेता है तो वो सेंट्रल में भी अप्लीकेबल होगी. क्रॉस एम्पावरमेंट दिया गया है, लेकिन इसके आगे अपील में जाना है, रिव्यू रिविजन में जाना है, तो वहाँ स्ट्रिक्ट है. मतलब वहाँ अगर सेंट्रल ऑफिसर ने एडजुडिकेट किया होगा तो फिर अपील रिव्यू रिवीजन सेंट्रली करेगा. ठीक है, वो यहां पे वो केस आगे कंटिन्यू सेंट्रल ही करेगा और स्टेट का केस जो है वो स्टेट ही कंटिन्यू करेगा. ठीक है बेटा, नेक्स्ट इस पे कोई क्वेश्चन आपके? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. जैसे कपिल ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर अमाउंट सिर्फ एसजीएसटी का हो, ऐसा नहीं हो सकता बेटा. ओके, क्योंकि दोनों एक्ट एक जैसे चलते हैं, तो अगर कॉन्ट्रावेंशन होगा तो दोनों का होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी. ऐसा तो नहीं होगा कि सीजीएसटी में आपने सप्लाई बोल दिया और एसजीएसटी में सप्लाई नहीं बोला, ऐसा तो नहीं होगा. तो दोनों कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो वो दोनों एक्ट का माना जाएगा, क्योंकि जीएसटी है तो सिंगल लॉ ही, पर वो स्प्लिट किया है सेंट्रल और स्टेट में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. होम फर्नीशर इज ऑफ व्यू दैट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग प्री डिपॉजिट ऑफ एनी काइंड बिफोर फाइलिंग अपील विद द अपीलेट अथॉरिटी. अब होम फर्नीशर का ये मानना है कि अपीलेट अथॉरिटी के पास कोई प्री डिपॉजिट देना नहीं पड़ता है. गलत. ओके, अपीलेट अथॉरिटी के पास भी अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो जितना आपने एडमिट किया टैक्स इंटरेस्ट वगैरह, प्लस आपने जो यहाँ पे क्या 20% ऑफ नॉन एडमिटेड अमाउंट, मैक्सिमम 50 करोड़ उतना तो आपको देना पड़ेगा. तो बेटा उस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा. सॉरी, ये अपीलेट अथॉरिटी के पास है ना, मेरे से गलती होगी. अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं, अपीलेट अथॉरिटी, इसलिए 10% रहेगा, नॉट 20%, 10% या 25 CR, विच एवर इज हायर. ओके, तो उतना आपको मैक्सिमम प्री डिपॉजिट रखना पड़ेगा. चलिए, तो उन्होंने इसमें भी आपको क्या करना है, पहले लॉ प्रोविजन लिखना है और वो मैक्सिमम अमाउंट जो निकाल के देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 120 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, लिस्ट द केसेस इन विच अपील इज नॉट टू बी फाइल्ड. सेक्शन 120 का रेफरेंस. ओके, ये दो सेक्शन बेटा आखिरी में जो दिए है ना, ये अच्छे से पढ़ के जाना. अगर ये एडिशनल क्वेश्चन में कवर किया है, मतलब इंस्टीट्यूट का पूरा ध्यान है. सेक्शन 120 जो है, ओके, लास्ट के दो क्वेश्चन ये चैप्टर के, स्टेट द केसेस अगेंस्ट विच अपील कैन नॉट बी फाइल एंड स्टेट द ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील कैन नॉट बी फाइल. ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूँ. पहले सेक्शन 120 आपको समझा देता हूँ और बाद में ओके 120 और 121 में क्या डिफरेंस है ये भी समझाता हूँ. देखो, यहाँ पे इसका थोड़ा बैकग्राउंड फिर से समझ लो, आपको याद नहीं होगा तो. ओके, नहीं होगा तो अभी समझ लो, टाइम थोड़ी गया है. तो अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
पहला पहला यहाँ पे द बोर्ड मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इश्यू द ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन फिक्सिंग मॉनेटरी लिमिट, अंडरलाइन फिक्सिंग मॉनेटरी लिमिट फॉर रेगुलेटिंग फाइलिंग ऑफ अपील और अप्लीकेशन बाय सीजीएसटी ऑफिसर। मतलब क्या, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या होता था कि एक्साइज और सर्विस टैक्स में छोटी छोटी केसेस होती थी और छोटी छोटी केसेस में भी बेटा ओके ये जो ऑफिसर है वो केस ऑफिसर अपील में लेके जाते थे। अब एग्जाम मुझे याद है ओके एक्साइज में एक केस थी और वो केस में यहाँ अमाउंट जो इन्वॉल्व था अमाउंट मुश्किल से यहाँ 6 लाख रुपए इन्वॉल्व था। पहला कमिश्नर अपील के पास वो केस अपील फाइल हुआ, कमिश्नर अपील ने डिसीजन जो है एसएससी के फेवर में दे दिया, 5-6 लाख का अमाउंट इन्वॉल्व है और उसने डिसीजन कमिश्नर अपील के फेवर में दे दिया। अब कमिश्नर अपील के फेवर सॉरी कमिश्नर अपील ने डिसीजन एसएससी के फेवर में दे दिया। अब कमिश्नर अपील ने जो डिसीजन एसएससी के फेवर में दे दिया, अब जो ऑफिसर था उसने किया कि नहीं नहीं मैं ट्रिब्यूनल में लेके जाऊंगा इसको, अब तो मैं ट्रिब्यूनल में लेके जाऊंगा। अब वो ट्रिब्यूनल में लेके जा रहा है, बेटा इसमें गवर्नमेंट के खर्चे लग जाते हैं, गवर्नमेंट में फिर गवर्नमेंट को अपना लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है, केस स्ट्रेच हो जाती है, पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने यह माना कि ठीक है ना यार अमाउंट छोटी होगी तो आगे नहीं बढ़ाना केस को, और बाय सेक्शन उन्होंने कहा कि ये मॉनेटरी लिमिट है इससे अमाउंट कम होगा तो मत जाओ ट्रिब्यूनल में, मत जाओ अपीलेट अथॉरिटी में, छोटा अमाउंट है छोड़ दो उसको। अब कोई 20,000 का अमाउंट है, किसी कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया, एडजुडिकेट कर दिया, पहली अपीलेबल अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी है, पर 10-20 हज़ार के लिए क्यों जाते हो अपीलेट अथॉरिटी के पास, उसका भी टाइम क्यों वेस्ट कर दो। वो गवर्नमेंट कहती है एक्सेप्ट द केस, ठीक है एसएससी के फेवर में गया है, डिपार्टमेंट उससे अग्री नहीं है पर एक्सेप्ट द केस। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि डिपार्टमेंट वो केस को आगे क्यों बढ़ाता था, ध्यान से सुनो, डिपार्टमेंट वो केस को आगे क्यों बढ़ाता था, ठीक है, तो डिपार्टमेंट यहां पे उसको आगे इसलिए बढ़ाता था केस को, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट इसमें मान जाए, ध्यान से सुनना कि अगर डिपार्टमेंट इसमें मान जाए कि ठीक है डिपार्टमेंट अपील नहीं जा रहा है और वो उसने जो डिसीजन एसएससी के फेवर में दिया गया वो डिपार्टमेंट आगे अपील में नहीं जा रहा है इसलिए वो मान रहा है उस बात को, ऐसा समझा जाता था। तो सेम पॉइंट पे अगर कोई कभी सेम पॉइंट पे दूसरा एसएससी ने कोई यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन किया है या टैक्स कम दिया है तो वो आगे जाके ये बोलता था कि देखो भाई पहले केस में आपने अपील नहीं फाइल की, क्यों नहीं अपील फाइल की, मतलब आप एक्सेप्टेड थे, आपने वो केस एक्सेप्ट कर लिया था, अब सेकंड केस में, ध्यान से सुनना, सेकंड केस में आप मेरे इसमें पॉइंट क्यों उठा रहे हो, अगर पहले केस में आप अपील नहीं फाइल कर रहे थे तो फिर आपको एक्सेप्टेड था ये माना जाएगा, तो मेरे केस में आपने इसको फिर से ओके पॉइंट उठाना नहीं चाहिए। तो ऑफिसर कहता था कि वे पहला केस 10,000-20,000 का था या 2-3 लाख का था, हमने उसमें अपील में नहीं गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, तेरा केस सेम पॉइंट पे 50 लाख का है तो ये बड़ा अमाउंट है हम जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, बोर्ड ने एक्साइज और सर्विस टैक्स में या भी जीएसटी में ये डिसाइड किया कि हम कुछ लिमिट फिक्स करेंगे ओके, और वो जो लिमिट हम फिक्स कर रहे हैं ओके इसमें डिपार्टमेंट अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अगर छोटा अमाउंट होगा तो अपील में नहीं जाएगा और एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट होगा तो वो अपील में फिर जाएगा आगे ट्रिब्यूनल में। फिर उसमें सेक्शन 120 भी ये कहता है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट ने आगे अपील फाइल नहीं की इसका मतलब ये मत समझना कि हमारा डिपार्टमेंट ने वो केस एक्सेप्ट कर लिया, वो दूसरे केस में सेम पॉइंट पे यहाँ पे एडजुडिकेशन कर सकता है या आपके अगेंस्ट में केस लगा सकता है या अपील फाइल कर सकता है, इज इट क्लियर। तो ये उसके बेस पे सेक्शन बनाया गया, तो मैं पढ़ता हूं बेटा यहां देखो, द बोर्ड मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इश्यू ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन फिक्सिंग द मॉनेटरी लिमिट फॉर रेगुलेटिंग फाइलिंग एंड अपील ऑफ एप्लीकेशन अपील और एप्लीकेशन बाय सीजीएसटी ऑफिसर। मतलब बोर्ड अमाउंट फिक्स करेगा कि कितने लिमिट के बाद आपने ए के पास जाना चाहिए, कितने लिमिट के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए या हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए ओके, इतने लिमिट से ज़्यादा अमाउंट होगी तो आप जाइए, अदरवाइज केस को छोड़ दो, इवन दो टैक्स पेयर के फेवर में आया होगा ओके, उसमें अपना टाइम एंगेज मत करो। दूसरा,
नॉन फाइलिंग ऑफ अपील और एप्लीकेशन बाय सीजीएसटी ऑफिसर ऑन अकाउंट ऑफ सच मॉनेटरी लिमिट फिक्स बाय द बोर्ड शैल नॉट प्रीक्लूड सच ऑफिसर फॉर फाइलिंग अपील और एप्लीकेशन इन अदर केस इन्वॉल्विंग सेम और सिमिलर इश्यू और क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर से समझ लो, हमने एक केस में अपील फाइल नहीं की, क्यों? क्योंकि अमाउंट छोटा था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे केस में उसका अपील या एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट बिल्कुल अपील और एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड, नो पर्सन हु इज अ पार्टी इन एप्लीकेशन और अपील कैन कंटेंड दैट सीजीएसटी ऑफिसर हैज हियर एक्विसिस्ड इन द डिसीजन और डिस्प्यूटेड इश्यू बाय नॉट फाइलिंग द अपील और एप्लीकेशन। ओके, तो यहां पे ये बात भी उन्होंने लिखी सेक्शन में कि हमने एक पहले वाले केस में, आगे हम अपील में नहीं कहे, तो दूसरे वाले केस में जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट में ऑफिसर अपील फाइल कर रहा है या एप्लीकेशन कर रहा है, वो ये पॉइंट नहीं कह सकता कि आपने पहले केस में अगर वो पॉइंट रेज नहीं किया, आपने आगे अपील में नहीं लेके गए, तो मेरे केस में कैसे लेके जा रहे हो? आप उसको एग्री कर चुके हो, मेरे केस में आप नहीं ले जा सकते। और लास्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट हियरिंग सच अपील और एप्लीकेशन शैल हैव रिगार्ड टू सर्कमस्टेंसेस फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ अपील और एप्लीकेशन बाय सीजीएसटी ऑफिसर ऑन अकाउंट ऑफ मॉनेटरी लिमिट फिक्स बाय द बोर्ड। और आगे ट्रिब्यूनल और कोर्ट भी इस बात को समझेगा कि ऑफिसर ने वहां पे अपील इसलिए नहीं फाइल की क्योंकि मॉनेटरी लिमिट अप्लीकेबल थी। तो दूसरे वे में समझाओ तो उसने अपील फाइल नहीं की, मतलब केस उसको एक्सेप्टेड थी, ऐसा कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट इस बात को समझेगा कि मॉनेटरी लिमिट अप्लीकेबल थी। थोड़े लीगल जॉर्गन्स इसमें यूज हुए हैं, सिंपल वर्ड में इसको एनालाइज करना। अगर एडिशनल क्वेश्चंस में दिया है तो क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो चार बात को समझ लो, इसको चार एंगल से समझ लो। बोर्ड मॉनेटरी लिमिट फिक्स करेगा, उतने लिमिट पे अपील में जाना है या नहीं जाना है। सेकंड, अगर उसने मॉनेटरी लिमिट फिक्स की है तो यहाँ पे ऑफिसर सेम पॉइंट पे दूसरे केस में यहाँ एप्लीकेशन फॉर अपील फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो अनादर पार्टी है वो ये पॉइंट नहीं उठा सकती कि पहले वाले केस में ऑफिसर को एक्सेप्टेड था इसलिए मेरे केस में वो अपील में नहीं जा सकता। और लास्ट, कोर्ट भी इस बात को समझेगा। तो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई कंपनी रिसीव्ड एडजुडिकेशन ऑर्डर पास बाय असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ऑन 1 नवंबर 2020 अंडर सेक्शन 73, ठीक है, ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वेर इट हैज डिसाइडेड एज फॉलोज। सीजीएसटी ड्यू जो है 6 लाख रुपए था, इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 18% पर एनम फॉर नंबर ऑफ डिलेड डेज और पेनॉल्टी 60,000। असेसी फाइल एन अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी ऑन 26/11, ठीक है। हाउ मच ऑफ कंपनी हैज टू पे प्री डिपॉजिट्स ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 1076 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट? और सेकेंड, वेदर योर आंसर वुड डिफरेंट इफ असेसी अपील्स ओनली अगेंस्ट द पार्ट ऑफ द डिमांडेड अमाउंट 4 लैक्स एंड एडमिट द बैलेंस लाइबिलिटी ऑफ टैक्स अमाउंटिंग 2 लैक्स। मतलब ये तीसरी बार क्वेश्चन प्री डिपॉजिट पे है, यानी ये समझ जाना कि प्री डिपॉजिट वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और लास्ट के दोनों क्वेश्चन। अब आपको एक बात और बता दूँ, सेक्शन 120 ये बताता है कि कौन सी केसेस हम अपील में नहीं जाएंगे, स्पेशली डिपार्टमेंट के एंगल से। सेक्शन 120 जो है वो बात करता है डिपार्टमेंट के एंगल से, और सेक्शन 121 बात करता है यहाँ पे जनरल ऑर्डर कि जिसकी केसेस एक बार ऑफिसर ने फाइनल कर दिया, ऑर्डर दे दिया, तो अब अपील में नहीं जाएगी। और 120 ये बात करता है कि डिपार्टमेंट कब केस अपील में जा सकता है और कब केस अपील में नहीं जा सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस था सेक्शन 120 और 121 का। यहाँ पे अगेन प्री डिपॉजिट बेटा, तो हमने प्री डिपॉजिट देखा, अगर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है तो जितना आपने एडमिट किया और 10% ऑफ नॉन एडमिटेड अमाउंट, तो पहले केस में आपका प्री डिपॉजिट जो रहेगा 6 लाख का 10%, क्योंकि आपने कुछ भी एडमिट नहीं किया तो 60,000। और केस टू में आपने जो एडमिट किया 2 लाख रुपये एडमिट किया और बाकी के अमाउंट का यहाँ पे, हाँ
अब 2 लाख का टैक्स एडमिट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको एडमिटेड थी और इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होगा वो एडमिटेड होगा, और रिमेनिंग 4 लाख रुपए था उसका 10%, ओके, यानी 40,000। अब इस बात का आप पूरा ख्याल दे बेटा, मैं आपको एक बात ध्यान लाना चाहूँगा कि ये जो 10% निकाला जाएगा नॉन एडमिटेड का, फिर से ये बात को समझ लो, ये 10% या 20% नॉन एडमिटेड का निकाला जाएगा, वो ओनली टैक्स अमाउंट का निकाला जाएगा। 10 और 20% ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऐड होगा, पेनल्टी नहीं ऐड होगा, फाइन ऐड नहीं होगा, वो ओनली टैक्स का रहेगा। ये भी पॉइंट अगर आपके दिमाग से मिस हो गया होगा तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, और ये जो आप मेरा डिस्कशन देख रहे हो यही आपको फायदा होगा। इज इट क्लियर बेटा? तो यहाँ पे ये हमने जो नॉन एडमिटेड अमाउंट था 4 लाख, 4 लाख सिर्फ टैक्स था उसका 10%, और एडमिटेड के वक्त आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस फाइन प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको कंसिडर करना है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट इस पे आ जाओ। रूल 112 ऑफ CGST रूल लेस डाउन द अपेलेंट शैल नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस बिफोर अपेलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल एनी एविडेंस whether oral or documentary other than evidence produced by him during the course of proceeding before the adjudicating authority or as the case may be. Okay, A, what are the exceptional circumstances specified in the rule where production of additional evidence will be allowed? Can AA or tribunal direct the production of any documents or examination of any witness? Okay, important question, ye bhi important hai beta, aa sakta hai। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है, बाकी तो आप जो यहाँ पे, ठीक है, बाकी के हम अब देख लो सेक्शन 112 क्या कहता है, सॉरी रूल 112 क्या कहता है। अगर आपको हमारे बुक में आना है तो एडिशनल एविडेंस कब प्रोड्यूस हो सकते हैं, पेज नंबर 654 पे क्वेश्चन नंबर 32 रूल 112 दिया है। इसका फंडा समझ लो बेटा, जब आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आई थी, आपको अपॉर्चुनिटी दी थी फॉर हियरिंग, तब आपने जो जो भी एविडेंस दिए और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए उस डॉक्यूमेंट पे ही केस आगे बढ़ेगा, फिर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर एडजुडिकेट हो गया। अब ये ऑर्डर जब कोर्ट में जाएगी, तो कोर्ट में अगर यहाँ पे जाएगी बेटा, तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट या वो एविडेंस कंसिडर नहीं होगे जो आपने हियरिंग के टाइम प्रेजेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि केस लड़ी जा रही है वही फैक्ट्स पे जो आपने शो कॉज नोटिस और प्रोसीडिंग के वक्त प्रेजेंट किए गए थे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जॉली LLB, आपने अगर अक्षय कुमार वाला मूवी देखा होगा तो वहाँ पे आखिरी में वो टेररिस्ट आता है, उस साधु का या पंडित का भेष बहन के, ओके, यहाँ पे आता है वो, तो वो एक ऑब्जेक्शन वहाँ आपको याद होगा कि उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, कि ये ऑब्जेक्शन अपोनेंट के जो लॉयर था उसने उठाया था। क्यों? क्योंकि वो बंदा प्रोसीडिंग के केस में रिलेवेंट था ही नहीं, और वो पॉइंट पे हमारा केस चल ही नहीं रहा था, ओके, और वो सडनली प्रेजेंट किया जाता है तो उसके एविडेंसेस, उसके डॉक्यूमेंट्स या उसको एज अ विटनेस कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा ही है बेटा कि जो रिकॉर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले कभी नहीं दिया, वो सडनली कैसे एक्सेप्ट होगा? तो नॉर्मली एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होते हैं, ये बात आपके समझ में आई? नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं होते। तो सेक्शन 112 में आपको पहले तो ये लिखना है कि एडिशनल एविडेंस अलाउड नहीं होते, पर कुछ केस में अलाउड हो सकते हैं। कौन से केस में अलाउड हो सकते हैं बेटा? तो देखो पहला केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी हैज रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस विच वॉज ऑट टू हैव बीन एडमिटेड। हाँ, कि अगर आपने जब प्रोसीडिंग चल रही थी, शो कॉज नोटिस रिप्रेजेंटेशन चल रहा था, तब आपने ये डॉक्यूमेंट दिया था लेकिन ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप अब ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में बोल सकते हो कि यहाँ पे हमने तब दिया था, रिजेक्ट कर दिया, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अभी कंसिडर करो, तब एडमिट हो सकता है डॉक्यूमेंट। ओके, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जब भी एक्साइज में, ओके, प्रैक्टिसेस एक्साइज सर्विस टैक्स और अभी GST में जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता हूँ, अब तो बाय मेल होता है, या फिर पहले मैं जब प्रोड्यूस करता था तो मैं उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट ले लेता था, सो दैट कि अगर फ्यूचर में मुझे
जो भी मैंने प्रेजेंट किया मैं एक्नॉलेजमेंट ले लेता था। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर मुझे कोर्ट में अगर ये प्रूव करना पड़े कि मैंने पहले दिया था, ऑफिसर ने कंसिडर नहीं किया या उसने रिजेक्ट कर दिया, अच्छा ऑफिसर रिजेक्ट करता है उसका भी एक्नॉलेजमेंट ले लेना, तो ऐसे केस में बाद में कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में या अपेलेट अथॉरिटी में वो एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, वेयर द अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशियंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस विच वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। समझ लो, एक एग्जाम्पल लो कि भाई उसके पास रीजन थे, जैसा अब 10 जनवरी को ऑफिसर ने जो है कहा कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, और ठीक है 25 जनवरी को मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर, जेन्युइन रीजन है, और वो लॉकडाउन प्रोड्यूस नहीं, लॉकडाउन में वो डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाया, और ऑफिसर ने ऑर्डर फाइनल कर दिया इन बिटवीन। अब ऑफिसर ने इन बिटवीन ऑर्डर फाइनल कर दिया और उसके पास सफिशिएंट रीजन है कि भाई वो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाया, कोई भी रीजन हो सकता है पर वो सेटिस्फैक्टरी रीजन होना चाहिए ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में, तो फिर कोर्ट वो एडिशनल एविडेंस आपको अलाउ कर सकती है। या वेयर अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशियंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और ए एविडेंस विच रिलेवेंट ऑन एनी ग्राउंड्स ऑफ अपील। ओके, तो ग्राउंड्स ऑफ अपील, तो देखो क्या गड़बड़ हो रही है। वेयर अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशियंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और ए एविडेंस विच इज रिलेवेंट टू एनी ग्राउंड्स ऑफ अपील, मतलब असेसी को रोका गया वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए और उसके पास सफिशियंट रीजन है कि क्यों रोका गया, तो वो केस में। और लास्ट, वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और ए हैज मेड द ऑर्डर अपील अगेंस्ट विदाउट गिविंग सफिशियंट अपॉर्चुनिटी टू अपीलेंट टू एड्यूस द एविडेंस रिलेवेंट टू द ग्राउंड ऑफ अपील। या फिर ऑफिसर ने वो केस फाइनल कर दी और उसको टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया, सफिशियंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोड्यूस करने के, तो ये केसेस में बेटा यहाँ पे वो एडिशनल एविडेंस आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो चलो मुझे लगता है एक सेशन और लगेगा यहाँ पे, हमें यहाँ डिस्कशन को एंड करते हैं और इसके बचे हुए एक दो क्वेश्चंस एडवांस रूलिंग और मिसलेनियस नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, और वो ये है कि चार्ट रिवीजन। ओके, तो हमारी चार्ट रिवीजन यहाँ पे ट्यूसडे से इवनिंग में रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। चार्ट रिवीजन ट्यूसडे से कंटिन्यू होगी, इवनिंग में रहेगी, 4 से 5 घंटा ये रिवीजन रहेगा चार्ट रिवीजन। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा मैं आपको ये कह दूँ कि ये जो रिवीजन है लास्ट के कुछ टॉपिक्स, इसका मैंने बूस्टर रिवीजन के वीडियो आज सुबह ही डाले हैं, तो आपको दोपहर तक अवेलेबल हो जाएंगे। और आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा यहाँ पे बेटा। कॉमन टॉपिक के लेक्चर्स रेगुलर क्लास भी अपलोडेड है और चार्ट रिवीजन भी अभी आपको दोपहर तक मिल जाएगा। आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर, तो आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर पे मैं डेट प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे एडिशनल क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज जो है वो सीए इंटर की भी करना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए डेट प्लान कर रहा हूँ 20 या 22 तारीख के बाद। वही बेटा जिसको सुनना है वो सुने, नहीं तो वो सेल्फ कर सकता है, पर मैं मॉक टेस्ट पेपर तो नहीं करूँगा, आरटीपी का डिस्कशन आपके साथ 20 तारीख के बाद करूँगा। ठीक है, तो डेट क्या होगी मैं इस पे आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बाकी सभी चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग लास्ट चैप्टर जो है जिसमें सभी लास्ट चैप्टर यहाँ पे जो एंटायर जीएसटी पे सभी क्वेश्चंस का मैंने मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्कशन में डिस्कस किया है,
तो आपको सभी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे क्वेश्चनेयर के डिस्कशन में, जो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है। ये चैप्टर तो मैं इंटेंशनली आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि आप ये चैप्टर्स इग्नोर करते हो बेटा। वो लिस्ट में सबसे पहले आपको प्रोसेस बता दूं कि www.vsmartacademy.com/vishal sir पे जाइएगा और वहाँ पे अनाउंसमेंट कॉलम में एक आपको एक्सेल की फाइल मिल जाएगी, जिसमें मैंने अपने क्वेश्चनेयर का और बाकी जो क्वेश्चंस है मैच दिया है कि आपके एडिशनल क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन नंबर क्या होगा, वो क्वेश्चन नंबर मैंने मैच करके दिए हैं और उस सभी क्वेश्चंस के वीडियोस जो है मैंने डाले हैं। तो आपको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर आप तो मैं कहता हूँ सेल्फ पढ़िए, क्योंकि ये डिस्कशन करने का मेरा ऑब्जेक्ट यही था कि बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमने एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए, हमने पढ़ना कैसे चाहिए, और बहुत से स्टूडेंट को ये डर रहता है कि सर क्वेश्चन सामने आया तो हमें डर ही है। तो मैंने सिर्फ उस प्रैक्टिस के लिए ये आपके साथ 8-9 घंटे का डिस्कशन लिया। आई होप कि ये डिस्कशन से आपका डर निकल गया होगा और पढ़ना कैसे चाहिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने आपको ये बताया है। और डेफिनेटली बेटा ओके, अपने माइंड को बिल्कुल प्रेशराइज मत करना। ओके, आपने यहाँ पे पढ़ना ऐसा है कि आंसर पढ़ो, पॉइंट फिक्स करो, सेक्शन लिखो, एनालिसिस करो, इस तरह से ही आपको सभी आंसर्स पढ़ना है और फिर कोशिश करना कि मैं कैसे लिखूंगा, या फिर कुछ प्रैक्टिस भी करना, 10 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन जो लेंदी है ओके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो सॉल्व करके भी देखना। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा और सिर्फ IDT नहीं तो सभी सब्जेक्ट में ये कोशिश आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ, MCQ के लिए MCQ का जो एडिशनल उन्होंने कवर किया है, तो MCQ के लिए हम शायद सेशन कंटिन्यू रखेंगे। मैं एक बार थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ, कल का सेशन होने, कल के सेशन में बताऊँगा कि MCQ का डिस्कशन हम कैसे करेंगे। ओके, पर मैं चाहता हूँ कि MCQ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि बहुत सी बार कन्फ्यूजन होता है। तो कल मैं आपको इसके बारे में आइडिया दूंगा कि हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और बेटा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है बेटा यहाँ पे कि इस बार जो एग्ज़ाम है, जैसे दिल्ली की सिचुएशन है, मुंबई की सिचुएशन है, आइदर इंस्टीट्यूट आपको एरिया वाइज ऑप्शन देगी मुझे लगता है, या फिर आपको, अभी मैंने कल ही एक बात सुनी कि इंस्टीट्यूट जो है ओके, आपका अगर कोई किसी में एग्जम्पशन होगा तो वो ये एग्ज़ाम कंसिडर नहीं करेगी वो एग्जम्पशन के लिए, मतलब जो आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं तो 3 अटेम्प्ट में ये अटेम्प्ट वो एक्सक्लूड कर देगी। ओके, यानी वो कैरी होगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, इस बारे में प्लान कर रही है। दूसरा, एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे लगता है बहुत कम चांसेस है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो, जिस तरह से सिचुएशन बढ़ती जा रही है कोरोना वायरस की। ओके, अभी दिल्ली की सिचुएशन, पुणे मुंबई की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है और मैं भगवान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितना जल्दी हो कंट्रोल में लाए और हमारी लाइफ रूटीन पे आए। लेकिन आपको पढ़ते रहना है, अपनी हिम्मत नहीं खोना है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि आप पढ़ रहे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपनी लाइफ में फ्यूचर में ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका बहुत आपको हेल्प होगा। तो मैं इसे कहूँगा कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ओके, आपको आखिरी तक यही सोचना है कि एग्ज़ाम होगी होगी होगी, ठीक है, और पढ़ाई किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरा फिर से वीडियो अपलोड होगा कि चार्ट रिवीजन कैसे, प्रोबेबली हम ट्यूजडे से चालू करेंगे चार्ट रिवीजन, जिसका मैं वीडियो कल शाम तक अपलोड कर दूंगा। और दूसरे बेटा यहाँ पर RTP हम 20 तारीख के बाद डिस्कस करेंगे, जहाँ तक है बाकी के एडिशनल क्वेश्चंस आपको मेरे क्वेश्चनेयर डिस्कशन में मिल जाएंगे, पर जिस तरह से मैंने कहा उस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ रुकते हैं, कल का लेक्चर लगभग यही टाइम पे होगा। ओके, यहाँ पे 12:30, अगर टाइम चेंज रहा तो आपको लिंक में दिख जाएगा कि क्या टाइम रहा, पर लगभग यही टाइम पर होगा बेटा। नहीं, बूस्टर रिवीजन मैं पहले ही कह चुका हूँ, अननेसेसरी आप व्हाट्सअप मत कीजिएगा, सिर्फ लास्ट के कॉमन टॉपिक को मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा बूस्टर रिवीजन। ठीक है, तो चलो यहाँ रुकते हैं। जूम मीटिंग का आपको एड्रेस दिया हुआ है, आप क्वेश्चन आंसर के लिए ज्वाइन
हो सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, अपना पूरा ध्यान रखो और कल का एक लास्ट सेशन हम कंटिन्यू करेंगे 12:30 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।